तो दोस्तों आज यहाँ पर बनाएंगे हम मोहन थाल यानी बेसन की बर्फी, और इसको बेसन की चक्की भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बेसन लिया, ये कुंडे के अंदर डाल दूंगा मैं। अच्छे से हमने इसको सान के ले लिया। यहाँ पर बेसन है, इस बेसन का हम पाड़ेंगे दाना, यानी इसका बारीक बारीक मोतीसरी का दाना पाड़ेंगे। तो दाना पाड़ने के लिए दोस्तों इसके अंदर डालेंगे हम घी। यहाँ पर 1.5 किलो घी है, करीबन इसके अंदर 200 ग्राम हमने घी ऐड किया, और 1 बाटी कर देंगे दूध ऐड। अब इसको इसी तरह घुमा के लेंगे और इसका एक दाना पाड़ेंगे। आप चाहो तो दाना गर्म पानी में भी पाड़ सकते हो, दूध में भी पाड़ सकते हो, और घी में भी पाड़ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा रहे उसके हिसाब से। लेकिन जो घी में दाना पड़ेगा वो बहुत शानदार रहता है। ये देखिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी तरह हाथ से रगड़ रगड़ के इसका दाना पाड़ेंगे। एक तो दाना पाड़ देते हैं, उसके बाद में आगे हम बताएंगे आपको। ये देखिए, इसी तरह बारीक बारीक ये दाना पड़ जाता है। हम जैसे इस तरह रगड़ते हैं तो इसके अंदर एक गुठली तरीका हो जाता है ये। तो इसको इसी तरह रगड़ के एकदम मस्त दाना पाड़ेंगे पूरा। इससे क्या होता है, हमारी जो बर्फी है वो मुंह के अंदर चिपकती नहीं है, मस्त बनती है एकदम। तो यहाँ पर दोस्तों बेसन का दाना है हमारा, वो एकदम अच्छे से पड़ गया, आप देख सकते हो, शानदार। तो अभी इसको एक झारा लेंगे हम, इस झारे के ऊपर ऐसे एकदम घिस के निकाल देंगे ताकि इसका दाना वो सब एक समान रहे, जो बड़ा रहेगा वो बारीक हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो और सान के भी ले सकते हो, तो हम क्या करते हैं सान के लेंगे ताकि इसका दाना वो एक समान पड़े, यानी एक सरी का रहा है, मोती सरी का दाना। तो ये देखिए, एकदम बारीक बारीक शानदार दाना है, जैसे मगज होता है वैसा दाना पड़ गया। तो इसको पूरा सान देते, फिर आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल हमारा जो बेसन का दाना है वो हमने इसको अच्छे से सान के ले लिया। अभी चलते हैं कढ़ाई की ओर, और इसको अच्छे से घी के अंदर पका के लेंगे, यानी इसको एकदम धीमी आंच में सेक के लेंगे, और उसके बाद में इसकी चाशनी बना के आपको मोहन थाल बना के बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन थाल बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी, हमारी भट्टी चालू है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम घी। यहाँ पर घी है दोस्तों 1.25 किलो। ये भैंस का देसी घी है, 1.25 किलो घी है। तो यहाँ पर दोस्तों हल्का सा घी गर्म हो गया। अभी इसके अंदर डाल देंगे हम बेसन, जो हमने अच्छे से इसका दाना पाड़ के लिया हो, और एकदम मध्यम आंच में इसको अच्छे से सेक के लेंगे। एकदम धीमी आंच में सेक के लेंगे इसको। मामी, यहाँ पर दोस्तों एकदम धीमी आंच में बेसन को अच्छा सेक के लेंगे। इसको जितना अच्छा सेकोगे उतनी बर्फी हमारी अच्छी बनेगी, बेसन सेक की। इसको मोहन थाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा बेसन है वो एकदम अच्छे से सिक गया है, बढ़िया शानदार, और इसका दाना भी बहुत शानदार है। तो इसको अभी रख देंगे नीचे, और उसके बाद में इसकी बनाएंगे चाशनी शक्कर की। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली, अब इसके अंदर डाल देंगे शक्कर। यहाँ पर हमने 2 किलो शक्कर डाली अंदर, शक्कर के बराबर डाल देंगे पानी। इसके अंदर हमने 700 ग्राम पानी डाला।
अब इसकी चाशनी बना देंगे एक उबाल लेके। यहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है। तो यहाँ पर 236 के लिए हमारी चाशनी है वो एकदम रेडी हो गई परफेक्ट मोहन थाल के लिए। देखिए हमने खाली इसका एक उबाल लिया और एक गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों रंग कलर। हम इसके अंदर डालेंगे केसरी कलर 5 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर रेडी हो गए। अब इसको डाल देंगे डायरेक्ट हम चक्की के अंदर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमारा मोहन थाल बनकर रेडी हो गया है। ये एकदम प्योर देसी घी में। कुछ देर तक इसको हिलाएंगे ठंडा होने देंगे। उसके बाद में एक डिश के अंदर हम इसको जमा देंगे और आगे आपको कटिंग करके बताएंगे। चक्की है वो हल्की सी ठंडी हो गई है और हमने यहाँ पर एक डिश ली। अब इसके अंदर पलटी कर देंगे हम। ये देखिए एकदम मस्त दानेदार बनकर रेडी हो गई है। तो इसको डिश के अंदर पलटी कर देंगे और अच्छे से इसको जमा देंगे हम। पर दोस्तों डिश के अंदर हम इसको सेट कर देंगे। इसको हल्का गरम गरम रहे तभी सेट करें आप। तो यहाँ पर दोस्तों सक्की सेट हो गई। अभी आप इसके ऊपर पिस्ता काजू कुछ भी डाल सकते हो एकदम बारीक करके। तो हमने इसको इसी तरह सेट करके रखेंगे और उसके बाद में आगे आपको कटिंग करके बताएंगे हमारी सक्की कैसी बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सक्की है वो एकदम परफेक्ट हो गई। इसको भी कटिंग कर देंगे तो देखिए एकदम खस्ती सक्की बनी है। तो इसको इस तरह पूरा कट करके ले लेंगे। आप जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो इसको तिरसा या छोटा बड़ा। तो अभी यहां पर दूसरी साइड से हम इसको कट कर देंगे। इसको बेसन की बर्फी भी बोलते हैं, मोहन थाल भी बोलते हैं और चक्की भी बोलते हैं। आइटम एक ही है, नाम अलग अलग है और सबका बनाने का तरीका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों इसको पीस है वो हम बाहर निकाल देंगे ये। और एकदम खस्ती और खटाखट चक्की बनकर रेडी हो गई। एकदम मऊ है ये देखिए
लाजवाब बन के रेडी हो गई। इसको बोलते दोस्तों एकदम हलवाई स्टाइल में सक्की बनाने का जो तरीका है। मिलते दोस्तों एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, खाते रहे खिलाते रहे, जय हिंद।